के अंदर जा रहे हैं, ये मंदिर का मुख्य द्वार है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे चलो। तो पता है हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे थे और मैंने, मेरी जो फ्रेंड थी साथ में, मैंने उसको पूछा ये लोग कौन बने हैं, तो बोलती है मंत्री। वापस से मैं रिपीट करती हूँ, मंत्री संती। बट इसमें पता है ये जो आपने देखा, ये यहाँ पे पुलिस वाला एक खड़ा हुआ था, तो आता है वो बोलता है मैम मोबाइल इज़ नॉट अलाउड, देखना अभी आप क्या, मोबाइल इज़ नॉट अलाउड। फिर इसके बाद हम कहते हैं जो रामेश्वरम मंदिर है वहाँ पे 22 कुंड है, और उस कुंड में हर जगह का, मतलब ऐसे गंगा जमुना यमुना हर जगह का धाम है। बट मैंने अभी आपको रिसेंटली इसके पहले जो दिखाया था जहाँ पे बहुत सारे लोटस लगे हुए थे, मैं फिर से दिखाती हूँ। क्यों ये देखिए, यहाँ पे ना बहुत सारे लोटस लगे थे, तो पता हुआ क्या है, ये शायद महालक्ष्मी कुंड था। तो यहाँ पे जो हमें ये जो स्नान कर रहे थे, आपने अभी देखा होगा, यहाँ पे एक पंडित जी थे, वो पता है स्नान करवा रहे थे। मैं उनको बोलती हूँ आप मुझे एक लोटस दे दो, बोलते नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने कहा प्लीज़ दो, तो बोलते नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको एक लोटस नहीं मिलेगा। मैंने पता उनको बहुत इंसिस्ट किया लोटस लेने के लिए, बिकॉज लोटस इज़ माई फेवरेट फ्लावर। मैंने कहा एक तो लेके जाऊँगी, बट यार मुझे लोटस ही नहीं दिया उन्होंने। वेल, फिर इस तरह से हम लोग रामेश्वरम मंदिर में आगे गए जहाँ पे 22 कुंड थे और हर कुंड का पानी अलग था। इवन अगर आप उसे टेस्ट करोगे, जब वो आपके ऊपर ऐसे कुंड से पानी डालते हैं, तब आप ये फील कर पाओगे कि हर पानी का जो टेस्ट है वो अलग है। कुछ पानी गर्म था, कुछ ठंडा था, कुछ नॉर्मल था, कुछ मीठा था, कुछ नमकीन सा, कुछ खारा सा, इस तरह से पानी के जो टेस्ट थे ना वो अलग अलग थे। और 22 कुंड में आपको 22 तरह का पानी आप फील कर सकते हो। कहते हैं वहाँ पे हर एक धाम का एक, मतलब जो है वो पानी वहाँ पे अवेलेबल है। और देन अगर आप शिवलिंग की बात करें, तो जो शिवलिंग है ना वो वहाँ पे कहते हैं कि जो 12वीं शताब्दी में जो भगवान शिव हैं उनकी शिवलिंग वहाँ पे रखी गई हुई थी। तो इसके बाद हम लोग मंदिर में जाते हैं, कुंड स्नान करने के बाद हम वापस जाते हैं, चेंज करते हैं, देन चेंज करने के बाद हम लोग इधर फिर मंदिर आते हैं। अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए होते हैं और अभी हम मंदिर परिसर में ही थे, और यहाँ पे ना गणेश भगवान का मंदिर था। और जब हम उस मंदिर में गए ना, तो मुझे एक बहुत एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली। वो कॉर्नर पे मंदिर था, जैसे आप मंदिर से आते हो आपके लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे वो मंदिर था, और वो मंदिर में मुझे कैसे एक इतना ज़्यादा पावरफुल फील हुआ, आई कॉन्ट डिफाइन। और फिर ये जो मुझे प्रसाद में भभूत मिला हुआ था, जिसे मैंने खा के एकदम इतना अच्छा वाला फील आया ना, एकदम कहते हैं ना मज़ा आ गया, बिल्कुल दिन भर की सारी थकान सब कुछ जो था वो सारा उतर गया। और मंदिर परिसर में जब मैं घूम रही थी यहाँ बैठ के, तो इतना अच्छा फील आ रहा था। इवन आप बोलो ना, तो मैं 10-15 मिनट तक तो ध्यान भी लगा लिया था। फिर बाद में आए और थोड़ी सी मस्ती वस्ती हुई, फिर हम लोग डिनर के लिए चले गए थे। बट हाँ, मैं आपको बताती हूँ, ये अंकल जी मिले थे और इनसे हमने दूध हम लोगों ने लिया था, हमारी सारी टीम ने। तो प्लानिंग कहती थी, वो कहते हैं कि हमारे पास ना बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ऐसे कि ये कुल्हड़ वाला दूध लेने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपको प्रचार प्रसार कर देती हूँ। तो ये लोग हमें दिखाते हैं, और इनका जो चिल्लाना का जो तरीका था ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही काफ़ी अच्छा था। इसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब थक भी गए थे, क्योंकि खाना वाना भी हो गया था और सुबह से घूम रहे थे। तो अभी बैक टू रूम वाली था कि हाँ वापस जाना है। ये आप देख रहे हो ना, ये मैं बैठी हूँ समुद्र के पास, और ये वेव ना जहाँ तक निगाह जा सकती है ना, वहाँ तक समुद्र है। और ये वाइट वाइट मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, एक बार देखती हूँ। देखो वो जो वहाँ पे जो वाइट वाइट है ना, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट वहाँ पे ना जो वाइट वाइट खड़े हैं ना, वो सारे जहाज हैं, और ये समुंदर है। वहाँ से वो वाइट लाइट आ रही है ना, वो वाइट लाइट से लेके यहाँ तक समुद्र है। लाइक ये देखो, वो जो वाइट लाइट जहाँ से आ रही है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक समुद्र है। अभी मैं समुद्र के पास बैठी हूँ, बहुत 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 प्यारा लग रहा है मुझे। ये देखो सामने ना राम सेतु का मंदिर है, और यहाँ पे समुंदर है, और ये बहुत बड़ा समुंदर है। यहाँ पता है हजारों शिप खड़े हुए हैं, और ये सामने रामेश्वरम का मंदिर है। 3 hours later. तो अब बज चुके हैं रात के 2, और 2 बजे हम लोग यहाँ समुंदर तट पे बैठे हुए थे। इवन मैं थी और मेरी एक फ्रेंड थी, बस हम दोनों बैठ के पता है क्या सोच रहे थे, मतलब सुबह
चार साढ़े चार बजे तक मैं वहीं थी, स्टिल आई एम फीलिंग, मैंने पता पूरी ज़िंदगी एक समंदर के अंदर देख ली, लाइक जैसे कि समंदर जो है उसके खुद के अंदर इतना शोर है, इतना शोर है कि उसे बाहर के किसी शोर की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप उसकी खामोशी की बात करो तो उसकी खुद में इतनी खामोशी है, खुद में इतनी खामोशी है कि किसी और की खामोशी तो उसे सुनाई भी ना दे या दिखाई भी ना दे। और अगर आप उसकी गहराई की बात करो, मतलब उसकी हर एक चीज़ की, मतलब वो अपनी पे आ जाए तो कश्तियों की कश्तियाँ शहरों की शहर डुबा दे। और अगर वो अपनी सीमा में रहे तो कितना, मतलब बहुत कुछ यार मैंने उस टाइम पे रियलाइज़ किया। मतलब एक कहते ना आपका एक पीक टाइम होता है, जो सबसे स्पेशल टाइम होता है, तो अभी मैं बोलूँ कि आज तक का मेरी लाइफ का जो स्पेशल टाइम था वो सिर्फ ये टाइम था जहाँ मैंने 2-3 घंटे वहाँ बैठे और बहुत कुछ फील किया। आप भी इन वाइब को सुनो, आपको अच्छा लगेगा। तो अभी बज चुके थे सुबह के 6 और हम लोगों को निकलना था धनुषकोडी, बट यहाँ पे रह के मैं सब कुछ भूल गई, क्योंकि मैं सुबह यहाँ खड़ी हुई थी 6 बजे और ये जो समंदर मुझे दिख रहा था, बस मन कर रहा था इधर ही खड़े रहो, इसको सारी उम्र ताउम्र यहाँ पे खड़े होके उसको देखते रहो, सामने शंकर बाबा और फिर यहाँ पे समंदर, क्या एकदम ग्रेट कॉम्बिनेशन यार। सो मॉर्निंग हो चुकी है एंड टुडे मॉर्निंग आई एम हियर लाइक नियर द सी एंड दैट साउंड इज क्रॉस माई हार्ट, सो गुड मॉर्निंग इंडिया। जहाँ तक निगाह जा सकती है ना वहाँ तक समझ रहे हैं।